हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिविल जॉइंट। हमारी जो आर्ट एंड कल्चर की सीरीज चल रही थी, उसमें हमने जो दिल्ली सल्तनत का आर्किटेक्चर था वो कंप्लीट कर लिया था। दिल्ली सल्तनत में जो इम्पीरियल आर्किटेक्चर और जो रीजनल आर्किटेक्चर, जो दोनों थे वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। इस लेक्चर में हम मुगल आर्किटेक्चर स्टार्ट करेंगे और इसमें अर्ली मुगल्स का जो आर्किटेक्चर था उसको देखेंगे। अर्ली मुगल्स में ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट नहीं हुआ आर्किटेक्चर के अंदर, अकबर पीरियड से हुआ था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी हम अर्ली मुगल्स का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम अवर वेबसाइट, उसका लिंक नीचे दिया गया हुआ है। मिडिवल इंडियन आर्किटेक्चर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दिल्ली सल्तनत एंड मुगल आर्ट में। ये हमने कंप्लीट कर लिए। और मुगल आर्ट में हम देखते हैं, मुगल जो थे वो ग्रेट पेट्रोन थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के, मतलब इन्होंने काफी प्रोत्साहन दिया इसको, प्रमोट किया आर्ट एंड आर्किटेक्चर को। और आर्किटेक्चर इस पीरियड में, मतलब उसने उसकी जो प्लेस थी जो घट गई थी, वो वापस उसने एक इंपॉर्टेंट प्लेस अपनी वापस हासिल कर ली। फर्स्ट मुगल एम्परर बाबर था। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो 1526 में हुई थी, उसमें इब्राहिम लोदी को हरा के लोदी डायनेस्टी जो थी दिल्ली सल्तनत की, उसको खत्म करके मुगल एम्पायर की स्थापना की। ठीक है, मुगल एम्पायर की नींव रखी। मॉस्क्यू बनाई थी बाबर ने, बनवाई थी पानीपत और रोहिलखंड में, और ये दोनों ही मॉस्क्यू 1526 एडी में बनी थी। बहुत ही शॉर्ट लिव्ड इसका एम्पायर था, मतलब बहुत ही जल्दी इसकी डेथ हो गई थी इंडिया में आने के बाद। तो इसने कोई न्यू टेक्निक जो थी आर्किटेक्चर की, उसका उसमें कोई मतलब बर्थ नहीं दी कोई न्यू स्टाइल को। ठीक है, फिर उसके बाद उसका बेटा आया हुमायूं। हुमायूं का जो पावर स्ट्रगल था वो शेरशाह सूरी के साथ चलते ही रहा। शेरशाह सूरी अफगानी था। ओके गाइस, सो वो ज्यादा आर्ट एंड कल्चर पर फोकस नहीं कर पाया, इस वजह से हुमायूं पीरियड में भी ज्यादा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पर ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ। हुमायूं ने एक सिटी फाउंड करी थी दीनपनाह, जो यमुना रिवर पे थी। और शेरशाह ने क्या करा था, 1540 में दीनपनाह पे अटैक किया और उसको बिल्कुल तबाह कर दिया, और उस जगह पर नई सिटी बनाई, उसका नाम दिया ने शेर शाही। ठीक है, और जो दिल्ली का पुराना किला है, ठीक है, वो भी इसी सिटी का पार्ट है। ठीक है, पुराना किला जो फोर्ट है दिल्ली का, वो इसी सिटी जो शेर शाह ने स्टेब्लिश की थी, शेर शाही सिटी, उसका पार्ट है। पर्शियन स्टाइल जो थी इस टाइम में आने पे, पर्शियन जो स्टाइल थी आर्किटेक्चर की वो प्रोमिनेंट हो गई। ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर में पर्शियन स्टाइल अच्छे से दिखने लगा। ये देखिए पुराना किला है, ये पूरा है, और ये इसका बाहर का जो मेन गेट है वो है पुराना किले का, दिल्ली में ही है ओल्ड फोर्ट। शेरशाह, शेरशाह जो, ये याद रखिएगा गाइस, मुगल एम्परर नहीं था। ठीक है, मुगल एम्परर नहीं है ये, और जो इसी ने सुर एम्पायर का फाउंडेशन किए थे। एक्चुअली क्या था, सॉरी 1540 के अंदर जब इन्होंने इसने अपने हुमायूं पे अटैक किया था, तो हुमायूं फ्लेड कर गया था। ठीक है, भाग गया था और इंडिया छोड़ के भाग गया था, मतलब उसकी आर्मी हार गई थी। ठीक है, ईरान भाग गया था वो। ठीक है, उसके बाद जब सूर एम्पायर फाउंड किया शेरशाह सूरी ने, तो उसने कंस्ट्रक्ट करी किले, एक कूना मस्जिद थी जो कि पुराना किला में ही, जो पुराना किला का जो पूरा एरिया था उसके अंदर, ये देखिए किले है, कूना मॉस्क्यू है, ये शेरशाह सूरी ने बनवाई थी। और इसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो इसने ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था आर्किटेक्चर में हम देख सकते हैं, जो कि ये देखिए काबुल से लेकर पूरा ये जाता था कोलकाता तक, और ज्यादा देखा जाए तो चिटगोंग तक भी जाता था, जो कि अब हमारा पार्ट नहीं है, ये बांग्लादेश के अंदर आता है चिटगोंग। ठीक है गाइस, तो ये दिल्ली दिल्ली से होता हुआ निकलता था। ठीक है, इस्लामाबाद, लाहौर, कोलकाता होता हुआ ये चिटगोंग तक जाता था। ये है जीटी रोड। ठीक है, ये अभी भी है, नेशनल हाईवे 2 को हम देख सकते हैं। ठीक है, दिल्ली से कोलकाता तक जाता है, वो इसी का ही पार्ट है। ठीक है, और इसने एक टॉम्ब बनाया शेरशाह ने अपना साराराम में। ठीक है, और जो कंस्ट्रक्शन था दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था, जिस टाइप का कंस्ट्रक्शन था, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं, वो शेरशाह के टाइम में कंटिन्यू रहा। ठीक है, ये था छोटा सा लेक्चर जो अर्ली मुगल्स पे था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम मेजर डेवलपमेंट देखेंगे जो अकबर से चालू होगा, जो मेजर डेवलपमेंट हुआ मुगल एम्पायर का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे। शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्री एंड एनरिच योरसेल्फ। थैंक यू गाइज।